हमारे साथ मौजूद है इस समय एक समाज सेविका और बी अवेयर की ब्रांड एम्बेसडर अपर्णा यादव जी। अपर्णा यादव जी, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए इतने सारे काम करे हैं, तो इसमें आप महिला सुरक्षा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, हमारे सिक्योरिटी और सेफ्टी दो ही पैरामीटर होते हैं जिससे हम किसी भी सोसाइटी को जज करते हैं, और हमें ये बात की जागरूकता लानी पड़ेगी अब क्योंकि नीड ऑफ द आवर इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन आर द पावर। 50% हमारी देश की जो जनता है वो फीमेल्स हैं, और हम ही आगे आएंगे, बढ़ेंगे आगे, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेफ्टी का जो क्वेश्चन है, हमें अपनी सोसाइटी में ये पूछना पड़ेगा कि घर से स्कूल तक जो लड़की जा रही है वो सेफ फील करे, वो इस वजह से स्कूल में पढ़ाई ना छोड़े या कॉलेज जाना बंद ना करे कि रास्ते में उसे कोई छेड़ता है। हम यंग हैं, 15 से 35 साल की जितनी जो उम्र है यूथ की, ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारे पास, इट्स द मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, एंड गर्म खून है, यंग माइंड है, इंटेलेक्चुअल माइंड है, उस खून में इतनी गर्मी होनी चाहिए कि हम अपने हकों के लिए लड़ सकें, क्योंकि जस्टिस मुझे लगता है लड़कर ही जीती जाती है, मांग कर कभी कोई जस्टिस नहीं देता। जी मैम, ऐसे कौन से मेजर इश्यूज हैं जिसपे आप चाहेंगे कि आप काम करना चाहती हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा इशू है, हम और भी इश्यूज पे काम करेंगे, बट दिस कॉज इज़ वाइड एंड वास्ट, आई वांट टू फोकस ऑन इट एंड डेफिनेटली यू नो आई एम वर्किंग डे एंड नाइट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग वुमेन। मैं चाहती हूँ कि खास तौर से, क्योंकि मैं यूपी की हूँ, कि यूपी की हर लड़की और हर लड़का जाने कि उनकी पुलिस कैसे काम करती है, क्या कार्य प्रणाली है, और सशक्त हों वो। जी, आप इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, आप भारतीय राजनीति को कहाँ देखती हैं? भारतीय राजनीति का तो मुझे पता नहीं, पर 2050 का भारत ज़रूर सुनहरा होगा अगर हम सब एकजुट होकर इस मुहिम में काम करें, और जितने भी सोशल कॉजेज़ हैं उनको अपटेक करें। तो मुझे लगता है कि जो मेरा विजन है 2050 का, कि एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट, उसकी हम जो परिकल्पना करते हैं वो सच में हो जाएगा। जी मैम, आप खुद, आपके पापा पत्रकारिता में थे, तो आप मीडिया को क्या रोल प्ले करने के लिए? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि पत्रकारिता से, क्योंकि मेरे पिता जुड़े हुए थे, तो मैं पत्रकारों को भी कहती हूँ कि वो सब मेरे, यू नो, इट्स अ कमाडरी, एक सेट ऑफ फ्रेंड्स जिसे कहते हैं, वो है, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। बट मुझे लगता है कि मीडिया हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले इन आर डेमोक्रेसी, वी द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बाय विच पीपल आर मेड अवेयर, एंड मुझे लगता है कोई भी रेवोल्यूशन या कोई be movement without the media is not possible in the country. As a beauty with brain, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अभी कुछ beauty with brain है, तो आप लड़कियों के लिए कोई special message देना चाहती है? देखिए, beauty with brain मैं ही नहीं, सब हैं, हर नारी सुंदर है, तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता ज़्यादा ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि बच्चियाँ बोलें, अपने लिए खड़े हों, अपने विल पावर जो है ना, मकान बन जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए आ जाएगा, सरकार बना देगी, बिल्डर बना देंगे, रोडें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पेड़ पौधे बहुत अच्छे से आप लगा, कोई एनवायरमेंटलिस्ट है तो पेड़ पौधे लगा देगा, बट विल पावर अपने से आती है, एक अच्छा इंसान बने, अच्छी विल पावर मजबूत करना कोई आपको सिखाएगा नहीं, वो आपके अंदर से आना चाहिए, चेंज इज विद इन द ब्रेन, प्रकृति रोज चेंज कर रही है, हम रोज देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है हमारे सिस्टम में, बट ये चीज़ महसूस करना हमारे कृत्रिम मस्तिष्क की ज़रूरत है और आज की नीड है कि इस चीज़ को समझें हम। जी, तो ये थी मौजूद हमारे साथ अपर्णा यादव जी, इन्होंने हमें बताया कि कौन से स्टेप्स हैं जो लड़कियों को लेने चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मैं शैली, APN के लिए।